घुटने फूट गए हमारे, इनके सब कुछ डेड हो चुके हैं भाई साहब। 5-5 किलो वजन कम हो गया होगा कम से कम। आज तो मगरमच्छ के मुंह में घुस जाएंगे, घुस जाएंगे तो फिर वीडियो कौन बनाएगा गाइस। अभी हमें चिल्लर पार्टी देखे, कबूतर मुर्गियाँ ये सब देखने के बाद अब तो गाइस बैड न्यूज है यार, जो मगरमच्छ है तो देखते हैं क्रोकोडाइल। देखना भाई साहब इधर क्या है, मछलियाँ हैं भाई साहब, मछलियाँ फिश 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 देखे। अरे भाई यहाँ बालू भी हैं, उन लोग को हम पसंद नहीं आए भाई, हमें शक्ल नहीं दिखाई। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं दिल्ली के चिड़ियाघर घूमने, आपको दिखाते हैं दिल्ली का चिड़ियाघर। अरे भाई कैसे दिखाएंगे, जब खाली पेट है तो कैसे दिखाएंगे। अरे यार भूख लगी है बहुत, सुबह से कुछ नहीं खाया यार। चलिए पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद आपको घुमाते हैं अच्छे से दिल्ली। तो क्या खाने वाले हैं आप, देखते हैं आगे क्या मिलता है। भाई यहाँ पे बहुत फेमस है कौवा बिरयानी, तो कौवा बिरयानी हम पता करने जा रहे हैं। नहीं खाएंगे कौवा बिरयानी, देख के आएंगे। नहीं खाएंगे। कैसी बनती है, हम यार छोले भटूरे खाएंगे। यहाँ पे तो बहुत कुछ है खाने के लिए यार, ये देखो यार। तो भाई लास्ट में बताऊंगा आपको कि बियर सबसे सस्ती दिल्ली में कहाँ मिलती है। आप भटूरे छोले खाओगे, 20 रुपए की कचौरी, कचौरी खाओगे, क्या खाओगे बोलो पाजी, क्या खाएगा। वाह वाह वाह, क्या खाओगे जल्दी बोलो, क्या आइटम है, यही बना ले। पूरी, क्या बात है, पूरी देख रही। तो भाई साहब हम लोग अभी जो है आ रहे हैं कचौड़ी। तो ये देखिए, ये भाई साहब को भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, ये लोग कचौड़ी खा रहे हैं ये लोग। ये देखिए, इधर देखिए, फिल्टर करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर का कमाल देखो, कितना स्मार्ट है भाई साहब। हाँ देखिए देखिए, काले हैं पर दिल वाले हैं। हाँ चलिए कचौड़ी खा लीजिए भाई। एंटर हो गए हैं अपना चिड़ियाघर के अंदर, तो चलिए आपको चिड़ियाघर दिखाते हैं क्या। तो हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं चिड़ियाघर दिल्ली के, तो आपको दिखाते हैं अंदर जानवर कैसे कैसे। पीछे दिखाइए, पीछे पीछे, तो ये देखिए, दिखाइए इधर देखिए भाई साहब, वो देखिए वो देखिए, भाई साहब घूम के भी आ गए हैं। इधर देखिए सारी खाने पीने की आइटमें हैं। हम लोग बाहर खा के आ गए ठेले पे और पता लगा अंदर बहुत कुछ खाने के लिए मिल रहा है, हम लोग घटिया खाना खा के आ गए। अब अंदर भी खाएंगे, टेंशन मत लीजिए, पेट हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, खाना तो खाएंगे ही खाएंगे। तो चलिए अपना चिड़ियाघर घुमाते हैं आपको, ठीक है, तो बने रहिएगा। ऑनलाइन टिकट है, यदि आप एडवांस में बुक करके नहीं आए हैं तो बाहर क्यूआर कोड लगा हुआ है, क्यूआर कोड के पास जाइए, उसमें जो स्टेशन दी गई है उसको फॉलो कीजिए, आपकी टिकट आसानी से बुक हो जाएगी। 5 साल के छोटे बच्चे निशुल्क के पास में, 12 साल क्या यार, बहुत भीड़ है यहाँ तो भाई साहब, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। यदि आप साथ में खाने का सामान लाए हैं तो आप साथ में पार्क में बैठे खा लीजिए, किसी भी प्रकार का खाने का सामान अलाउ नहीं है, जैसे डाइनिंग खाने का सामान। तो गाइस बनाए गए हैं अपना भाई, बैग तो अलाउ है नहीं खाने पीने की कोई चीज़, ये आप लोगों की सुविधा के लिए 5 एंट्री गेट बनाए गए हैं यहाँ पे। हाँ तो आप आइए, QR कोड स्कैन करिए और टिकट बनाइए और निकल जाइए सीधा, कोई रोक टोक नहीं। खाने पीने की चीज़ है ना जो, वो खा के ही जाना, अंदर कोई नहीं जाना, और बैग बुक भी मत लेके जाना, लैपटॉप भी मत लेके जाना, का बोतल और जिस मोबाइल से टिकट बुक की है वो मोबाइल, वो मोबाइल। तो भाई साहब इतनी सख्ती है यहाँ पे, तो थोड़ा सोच समझ के ये लिए, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है भाई पार्क का नक्शा, देखिए गेट एंट्री, ऊपर से जाना है सब
अभी चिड़ियाघर में आके टिकट बुक नहीं हो पा रही है, कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है। हमें 2 घंटे हो गए हैं गाइस, बुक नहीं हो पा रही टिकट। अगर आप लोग भी आएंगे बहुत परेशान हो जाएंगे। आपका क्या ख्याल है बताइए आप? बहुत परेशानी हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत दिक्कत हो रही है, टिकट नहीं बुक हो रही, बहुत परेशान है हम लोग। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए मुंह सबका लटका हुआ है, कैसे देखो मासूम से बने हैं। खाना पीना कोई ढंग का मिलना नहीं है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ है, ये सब रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए कितना बड़ा रेस्टोरेंट यहाँ पे बना हुआ है, पर अभी तक हमें मज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई दी है। गाइस आप आओगे तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है, मैं लास्ट में आपको सबको समझा दूंगा कैसे यहाँ पे आना है नहीं आना है। यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो भाई साहब ये हम लोग टिकट कटा के अंदर पहुँच गए हैं और देखिए लाइन में लग गए, चलिए अंदर चलते हैं। तो भाई गाइस फाइनली हम अंदर पहुँच गए हैं, तो बड़ी मुश्किल लगी है भाई, बहुत मुश्किल भाई है, बड़ी मुश्किल में हम लोग आज कमीशन दे के अंदर घुसे हैं समझ लो कि टिकट की, क्योंकि ऑनलाइन टिकट पार्क में आ गए हैं। तो आइए पार्क का नज़ारा लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये आराम से सब मस्ती में जा रहे हैं और इनको फ़ोन से फुर्सत नहीं है। वाह पार्क तो बहुत बड़ी है अंदर। तो गाइस बहुत थक गए हैं यार, सुबह से पता नहीं कड़े कड़े पापड़ बेले हैं, पर मज़ा नहीं आया था। भाग भाग के अभी चल के परेशान हो गए। अभी जाके टिकट मिली है तो थोड़ी सी खुशी हुई है, दिल को ठंडक मिली है। 2 घंटे से मोबाइल में लगे हुए थे, लेकिन पता है अगर हम लोग टिकट बुक कराने लगे तो जो यहाँ पे बैठे कमीशन खाने वाले, तो उनकी टिकटें कैसे बुक होंगी? बिल्कुल। तो कमीशन पे टिकट बुक हुई है, 80 रुपये की टिकट का रेट था, वो 100 100 रुपये हमें दिया है, 120 मांग रहा था। तो ये ब्लॉग वीडियो है, पीछे ये ब्लॉग वीडियो है, पीछे हमारे प्रवीण जी आ रहे हैं। हाँ, और चलिए अंदर घुस गए हैं। तो और इंद्र जी बताइए दिल्ली आके कैसा मज़ा कैसा आ रहा है आपको? अंदर अब चोर बाजार के बारे में कुछ बताइए। चोर बाजार तो बेकार है भैया, चोर बाजार तो चोर बाजार बोले तो जैसे कि हम कबाड़ी मार्केट नहीं बोलते हैं भाई, कबाड़ कबाड़ी है, कबाड़ी की दुकान में चले जाना, चोर बाजार मत जाना, मत जाना बिल्कुल, भूल के मत जाना, और चिड़ियाघर जरूर आना क्योंकि ये देखने वाली चीज़ है। चिड़ियाघर अभी आपको दिखाएंगे, बहुत बढ़िया। अभी तो हम एंट्री कर रहे हैं, तो हौली हौली आपको इधर कैमरा करिए, इधर देखिए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए मनु जी। चलिए भाई चलिए आपको दिखाते हैं। तो भाई साहब जू के अंदर स्टार्टिंग होती है हमारी ये दलदल वाले पानी से। अरे ये देखिए दलदल वाला पानी, इसमें मछलियाँ हैं, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हाँ शायद दिखा, हमें एक जानवर तो दिखा ही है, दिख रहा है हमें, वो देखिए आपको दिख रहा हो तो दिख गया, ये हमें दिखा है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। चलिए चलिए आइए, तो गाइस अगर आपने पूरा चिड़ियाघर घूमना, अगर बस है ये देखिए मिनी बस है, और अगर इससे आपने पूरा चिड़ियाघर घूमना है तो यहाँ टिकट कटा सकते हैं। ये देखिए यहाँ टिकट लगती है, और ये देखिए सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए टिकट पे। ये है नील गाय गाइस, चलो अभी बहुत आगे जाना है। ये देखो गाइस यहाँ दिख रहा है हमें, ये देखो ये पक्षी हमें दिख रहे हैं बैठे हुए,
चलिए आगे चलते हैं। बाप रे बाप, बहुत गर्मी है गाइस, सोच समझ के आना। तो गाइस यहाँ हमें कुछ नहीं है, खाली लंगूर है दो तीन, और उसके बाद आए हैं इधर, आ गए। बहुत बड़ी पार्क यार, थक गए हम तो घूमते घूमते। ये देखिए मंकी का, ये पानी तो सूखा हुआ है यहाँ नदी में। ये सूख गया है क्या? सूखा नहीं, सूखा पानी में यार। हमें जानवर कब दिखेंगे यहाँ पे? हमें कुछ नहीं नजर आ रहा भाई अभी तक। भाई बंदर बंदर देखने तो गली मोहल्ले में देख लेना, जाके वहीं घूमते रहते हैं। यहाँ पे तो अभी कुछ खास दिखा नहीं है, आगे देखते हैं क्या दिखता है। ये देखिए पानी पीने वाला लगा हुआ है, यहाँ पे पानी पी सकते हैं आप। बोतल लेके आइए, मुँह धो सकते हैं। पानी कुछ साफ मेरे को नज़र नहीं आया, बाकी टेस्ट थोड़ा अजीब सा था। हाँ तो गाइस, घूम घूम के दिमाग पक गया है गर्मी से, फिर भी हमें मज़ा नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आई जिससे एंजॉय हो। बिल्कुल भाई साहब, दिल्ली आना तो सोच समझ के, बहुत सोच के आना, बेकार है। फोकट का टाइम हो ना तो आना, तो आना। यहाँ पे कुछ तो मिलने वाला है नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ मिलेगा तो बस सिर्फ थोड़ा धक्के मुक्की मिलेगी भाई साहब, बहुत देखने को मिलेगा बस, कुछ जैसे कि मेला देखने आना बस जी वगैरह या वगैरह। भाई काम की चीज़ नहीं है यहाँ पे, टाइम पास ही है। बहुत वीडियो देखी थी मैं, सोचा चलो आप लोग को भी दिखा दूँ, पर देखो यहाँ पे घूम ही जा रहे, कोई जानवर नहीं, कुछ नहीं नज़र आ रहा है। धूप है, दिन है, सुबह आओ, सुबह शायद आपको कुछ दिख जाए। और हाँ, वो गाड़ी 70-80 रुपये लेती है गाड़ी, उससे जंगल घूम लो भाई। आगे बताते हैं और बहुत कुछ, बहुत परेशान है यार, आप लोग के लिए आए हैं स्पेशल वीडियो बनाने के लिए। मैं कहा चलो आप लोग के लिए भैया, आपका टाइम ना ख़राब हो, लोगों की वीडियो में मत आइए। अरे जानवर दिखे हैं थोड़े से, चलिए आपको दिखाता हूँ, चल के चलो दिखाते हैं। ये रहे जानवर, चलो ये तो उधर भी है यार अपने। लो भाई साहब, अंदर आके हमने पहुँच गए इस जगह पे, खाने पीने का सामान है यहाँ पे, उसके बाद अभी पार्क और है यहाँ पे। पानी ले लो यार, पानी के बिना तो यहाँ तो बुरा हाल है। तो गाइस, चिड़िया अगर हमें कुछ अच्छा लगा यहाँ पे, आप बच्चों फैमिली के साथ आ सकते हैं, लेकिन आएँ तो थोड़ा मौसम सही हो तब आएँ, इतनी धूप में मत आना भाई, इतनी धूप में जो है ना, देखिए पानी में भी गैस होता है भाई साहब, धूप से काले पड़ जाओगे, इतना ही है। सही बात है। और पानी की तरह दो दो थोड़ा सा पी ले, पानी पी लें, बहुत प्यास लगी है, मुंह सूख गया है बोलते बोलते, हाथ दुख गए हैं कैमरा पकड़ते पकड़ते। ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, आप लोग के लिए बना रहा हूँ, और क्या सही है क्या गलत है हम सच बताएंगे भाई। तो चलिए ना, तो देखना। हाँ, और आप लोग का समय नहीं ख़राब होगा भाई, जैसे हमारा हुआ है, आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए हम लोग आए हैं। खराब हुआ है, यही मकसद है वीडियो बनाने का कि आप लोग पैसा और समय। हाँ हाँ बिल्कुल। और चोर बाजार भैया, अगर आप कहीं दिल्ली से बाहर के हो ना, मत आना। चलिए आपको हिरन दिखाते हैं। देखिए भाई, दोनों जने इतने थक गए हैं, दोनों जनों को धक्के मार मार के लेके जाना पड़ रहा है। चलो यार, मैं इनको मार रहा हूँ, ये इनको मार रहे हैं धक्का, देखिए। अरे चलो यार, अभी बहुत दूर है, अभी एक चक्कर मारे नहीं है। देखिए, अरे भाई दिल्ली चिड़ियाघर है क्या है, थका दिया यार भाई। चलो यार, ए यार अभी अभी छू, देखो यार, भाई साहब चलो 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 चलो, अभी बहुत दूर है अब। लो भाई, ये हमें कुछ भैंसे जैसा लग रहा है भैया, ये क्या है, गाय लग रही है। और अब इधर कुछ भी नहीं है,
जो भी हैं सब सोए हुए हैं। इधर शायद ये क्या है, आइए लोमड़ी दिखाता हूँ आपको। गीदड़ है भाई ये, ये देखिए गीदड़ है भाई। इधर उधर क्यों भाग रहे हैं ये, ऐसे नहीं रहते हैं, रुकते भी हैं। अभी इसको जगह नहीं मिल रहा कोई ठहरने का बढ़िया, खाना पचा रहे होंगे नहीं। हेलो गाइस, बहुत आगे आ गए हैं, यहाँ देखिए खींच खींच के लेके आ रहे हैं, बहुत थक चुके हैं। ये देखिए इनका हाथ पकड़ रखे हैं और अब बहुत मेहनत। अब दूसरी बात है, तो गाइस अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो टैक्सी करा लेना, पैदल मत आना यार, बहुत परेशानी हो रही है। ये देखो बड़े बच्चे हैं हमारे साथ, इनको ले आने में बड़ी दिक्कत हो रही, खींच के लाना पड़ रहा है इनको। वही पूरा पास तो देखो, हाँ इधर देखो भाई, बड़े छोटे बच्चे हों तो आप टेम्पू करा लो, पैदल मत आना। ओहो ये देखिए गेंडा हमें दिख गया है, तो भाई अब जो है कुछ मजा आने लग गए हैं। अभी थोड़ा हमने एक गैंडा देख लिया, भारतीय गैंडा देखा है और गैंडे की चर्बी जो है ना बहुत मोटी थी, समझ लो हाथी के बराबर तो नहीं कह सकते, हाथी जैसा ही था भाई साहब, उसके जैसा ही था, बाकी उसके तो चमड़ा खूब लदा हुआ था, क्या बताऊं आपको। सुरक्षा कवच नहीं लगे होते हैं, उस तरह के कवच लगे हुए हैं। बाकी यहाँ से तो थोड़ा सा मजा आना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बाकी आगे देखते हैं क्या क्या दिखता है। वो देखिए गैंडा दिख रहा है आपको, वो देखिए गैंडा तो थोड़ा दूर बहुत है भाई साहब, चलिए आगे देखते हैं जाके। बहुत बड़ा सा है, क्या खाता होगा यार, देखो कितना परत इसके ऊपर है, जैसा कि हम देखते हैं मोटा है। बहुत मोटा चमड़ा है, इसके ऊपर परत है, देखते हैं सामने का सीन कट दिए हुए ना, अच्छा लग रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे। हाथी को सिर्फ गैंडा ही घेरा सकता है, तो भाई सिर्फ गैंडा ही हमें दिखा अभी तक, और बाकी देखो क्या दिखता है आगे। पैर पूरे थक गए भाई, सूजन आ गई पैरों में, तो ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद चले हैं, क्या करें। आप लोग के लिए वीडियो भी बनाना ज़रूरी है, वीडियो को दबा के लाइक करना भाई। आपको ऐसी बातें बताऊंगा कि आपका नुकसान नहीं होगा। ये देखिए गाइस तोता है, ये देखिए ये तोता, क्या ज़बरदस्त तोता है गाइस, देखिए कितना बड़ा तोता है यार, भाई साहब कौन सी प्रजाति का तोता है ये, बहुत बड़ा है यार ये तो भाई साहब, ये तो मुर्गे से भी बड़ा तोता है। तो गाइस इधर से साफ दिखाई दे रहा है ये तोता, देखो मुर्गे जितना बड़ा तोता है भाई, बहुत शानदार। तो गाइस यहाँ तोते की पूरी फैमिली है, और ये लग रहा है जमी हुई है, हिल भी नहीं रही है, तो भाई इधर भी कुछ खास नहीं दिख रहा, वही तोते हैं गाइस, वही दो तोते बैठे हुए हैं वहाँ पे, और ये एक नीचे देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, तो गाइस ये जितने भी तोते हैं तीतर हैं अलग अलग किस्म की, इनकी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए मुर्गे हैं, वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं इसकी वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि जाली लगी है इस वीडियो में आता नहीं है। चलिए आगे दिखाता हूँ आपको, तो गाइस हमारी सेना जो है ना थक गई है, ये देखो बेचारे थक के बैठे हुए हैं कैसे, भाई साहब थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, पूरा थक गए हैं भाई साहब, ये पूरे थक गए हैं, इसीलिए भाई आप पानी पीजिए। तो गाइस यहाँ पे अभी तो पता नहीं कितना बाकी है, चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। पूरा व्यू उतना अच्छा नहीं आ रहा क्योंकि जाली लगी हुई ना, आप जब आओगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने लायक है, बहुत चीज़ें बड़ी बड़ी हैं देखने वाली हैं, तो बने रहिएगा है।
गाइस अभी हमें चिल्लर पार्टी देखे, कबूतर, मुर्गियाँ, ये सब देखने के बाद अब जाके कुछ बड़े जानवरों के नाम सामने आए। मगरमच्छ हो गया, अब हम आगे जा रहे हैं। चलो अब बड़े जानवर देखने जा रहे हैं गाइस। क्रोकोडाइल और एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट, अरे ये सब तो देखते ही हैं। क्रोकोडाइल देखना भाई साहब, इधर क्या है? मछलियाँ हैं भाई साहब, मछलियाँ, फिश फिश फिश। तो भाई साहब मगरमच्छ कब देखने को मिलेगा? मगरमच्छ देखने आज तो मगरमच्छ के मुंह में घुस जाएंगे तो फिर वीडियो कौन बनाएगा? बाहर भी तो आएंगे, हैं? बाहर भी तो आएंगे, बाहर नहीं आ सकते। ओ देखो इंडियन एलिफेंट कहाँ है, वो रहा कहाँ दिख रहा है भाई? वो खड़ा है यार। अरे यार इंडियन नहीं, चलिए आपको दिखाते हैं अभी दूर में। उसको क्यों देखने जाना है, वो तो बहुत देख रहे हैं। अरे भाई यहाँ भालू भी है। कहाँ भालू? वो देखो फोटो लगी है, आओ पहले वो देखते हैं। भाई साहब किधर से जाना है? मगरमच्छ, ये रहा इधर, मगरमच्छ, मगरमच्छ। चलिए आपको मगरमच्छ दिखाता हूँ। तो भाई साहब मगरमच्छ तो हमें देख के छुप गया भाई। कहाँ है मगरमच्छ यार? ओह भैया मुंह दिख गया उसका। चलो उधर जाके देख के आते हैं इसके, उसको पैसे दो, मुंह दिखाई, रस्म करनी पड़ेगी उसकी भाई। नीचे चला गया। अब नहीं भाई, अभी लाइव नहीं है। हाँ हाँ भाई साहब देख लो मगरमच्छ, आप दिख रहा हो। तो गाइस बैड न्यूज है यार, जो मगरमच्छ है वो हमें देख के पानी के अंदर छुप गया। पता नहीं हमारी शक्ल ही उसको अच्छी नहीं लगी, तो मगरमच्छ की शक्ल नहीं देख पाई। थोड़ी सी आंखें दिखी थी, वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो में कुछ दिखाई नहीं दिया, चला गया। भाई साहब हमें पसंद नहीं कर रहा बिल्कुल भी, कह रहा जल्दी निकल जाओ। देखो कितनी भीड़ लगी उसे देखने के लिए। चलो आगे देखते हैं, शायद टाइगर को हम पसंद आ जाए, है ना? चलिए आगे देखते हैं। कौन सा जानवर है? धनेश है, देख के बताओ कौन सा जानवर है भाई। बड़ी चीज़, बड़ी शानदार लग रही है ना, कितना शानदार है ना धनेश। इसके ऊपर क्या है वो चिपका हुआ जो? चलो दिख ही नहीं रहा यार। तो भाई अब तो टाइगर देखने आए हैं, लगता है टाइगर को भी हम पसंद नहीं आए भाई। हैं वो बैठा पेड़ के पास है, आ जा इधर से, आ जा ये वाले पेड़ के पास, इसी पेड़। वो कितना बड़ा यार होता, मुंडी उसकी कितनी बड़ी है भाई। आ जा, मारना मान, इधर खोज रहा है भाई साहब। भाई साहब उसे लग रहा है पसंद नहीं आया कुछ भी। हां डरा दे उसको। आगे बढ़िया भाई, रैली से दूर हो जाओ। भाई साहब शेर तो बैठा हुआ है, उसको हमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप लोग को तो देखने में है। चलिए पीछे से देखते हैं, शायद दिख जाए। ये देखिए बैठा हुआ भाई, ये है टाइगर। भाई साहब एक ही शेर है यहाँ पे? और रहा। बहुत कमजोर है भाई, कहा खिलाते पिलाते नहीं कहा इसको, बहुत कमजोर है पीछे से भाई। तो भाई चलते जा रहे हैं, बहुत बड़ा है यार ये तो चिड़ियाघर, इतना बड़ा है हम तो सोच नहीं सकते। वाइट टाइगर है, पैर हाथ सब दुखने लग गए हमारे। बाहर जाने का रास्ता, शुक्र मनाओ बाहर जाने का रास्ता मिल गया। तो गाइस एलिफेंट के पास पहुंच चुके हैं। ओ एलिफेंट आ चुका है अपना। ओ चलिए आपको एलिफेंट दिखाते हैं, इसके ऊपर जाके बैठेंगे थोड़ा सा। तो भाई ये देखिए अपना इंडियन एलिफेंट, इंडिया का एलिफेंट है भाई। ये थोड़ा वाइट कलर का नहीं लग रहा? नहीं, क्या ये मिट्टी में नहाया हुआ? मिट्टी में नहाया हुआ है गाइस, तो देख लीजिए आप। तो आपने अभी तक एलिफेंट नहीं देखा है? ये देखो है ना एलिफेंट। तो गाइस अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। एलिफेंट हमने देख लिया, टाइगर देख लिया, बस उन लोग को हम पसंद नहीं आए भाई, हमें शक्ल नहीं दिखाई। कभी भी आना भैया, कभी भी आना, सुबह के टाइम में आना तो शायद कोई आपको दिख जाए। दोपहर में कुछ नहीं दिखेगा भाई, बहुत गर्मी होती है, कुछ भी नहीं दिखेगा।
भाई साहब, और क्या बोलें, बाकी मज़ा बहुत आया। हमारे पैर सूज गए चलते चलते भाई, घुटने फूट गए हमारे, इनके सब कुछ डेड हो चुके हैं भाई साहब। 5-5 किलो वजन कम हो गया होगा कम से कम चल चल के। अगर आपने वजन कम करना है तो जरूर आएं यहाँ अच्छे से घूमें। मगरमच्छ यहाँ दिखाओ, क्या बात है, मगरमच्छ आपको दिखाते हैं। देखिए मगरमच्छ, यही तो असली चीज़ है भाई। भाई इतना वजन बढ़ाने के लिए क्या खाना पड़ेगा? क्या बात है यार, बड़ी शानदार चीज़ है। तो भाई मगरमच्छ कैसा लगा आपको? बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे तो यार, कितना मोटा गेंडा के जैसा, पता नहीं क्या खाता हुआ यार, पूरा फूला हुआ है, पेट भरा हुआ उसका। तो गाइस चलो अब आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं जाके। ये देखिए नकली टाइगर, वो रहा असली टाइगर, दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो भी मूर्ति की तरह बैठा हुआ है। आगे बढ़ जाइए, आगे। हिल नहीं रहा भाई, हिल गया थोड़ा सा। गाइस तेंदुआ उसको सोया हुआ है आराम से, तेंदुआ दिखा आपको। तो गाइस सारा घूमने के बाद टाइगर भी देख लिया, वाइट टाइगर भी देख लिया, तेंदुआ भी देख लिया, एलिफेंट भी देख लिया, भाई सब कुछ तो देख ही लिया। अब देखते हैं कौन सा जानवर दिखता है हमें, चलो आगे चलते हैं। ये रहा भाई, देख तो ले एक बार, फिर जा ही रहे हैं घर। देखा, ओए ये देखो क्या है भाई, हैं ये देखो इधर, यही तो देखना था ऑक्टोस। वाह ये चीज देखिए कितनी शानदार है। सो गाइस तो ये भाई ये अपना जो चिड़ियाघर है यहाँ पे होता है खत्म फाइनली खत्म फाइनली पूरा तो घूम नहीं पाए, फिर भी कुछ चीजें रह गई हैं। लव दिल्ली यहाँ पे एक फोटो खींचना मेरे। आई रब्बा ये देखिए भैया एक पिक खींचना यहाँ पे यार, चलिए खींचो जरा। तो गाइस थक गए हम लोग, यहाँ पे बैठे हैं तीनों जने फिर से और खा पी के पाए, अभी चाय पी है, टैक्सी बुक करवाई है, अभी टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं, 2 मिनट में टैक्सी आ जाएगी। तब तक गांधी जी के 3 बंदर बैठे हुए हैं, देखिए कितने आराम से। तो आज तो बहुत बुरा हाल हो गया भाई, दिल्ली आना तो बच्चे ले गए, मत आना घूमने, बच्चे आना तो भैया टैक्सी का ध्यान रखना, अंदर बहुत गर्मी है भाई, सुबह घूम लेना जितना घूमना है। ठंडी में आना, ठंडी में तो भाई ज़्यादा ठंडी में मत आना, चलो मिलते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है स्टेशन, कितना दूर ये स्टेशन? तो ये रहा स्टेशन पे ही हुआ। हाँ जी तो इंदर जी कैसा लग रहा है घूमने में दिल्ली? इस ऑटो में मजा आ रहा है, ऑटो में मजा आ रहा है भाई साहब, देखिए ऑटो में बहुत मजा आ रहा है। दिल्ली में मजा नहीं आ रहा पर इस ऑटो में मजा आ रहा है भाई साहब। भाई साहब दिल्ली में कैसा आपको फील हो रहा है? कुछ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है एसी कार में बैठने के बाद, बैटरी ऑटो में बैठ के हो रहा है उससे अच्छा महसूस फील हो रहा है। फीलिंग क्या, फीलिंग क्या ले रहे भाई? और आपने सुबह से क्या क्या खाया है? कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ पानी पानी पिया है, और आधा गिराया, 5-6 बोतल पानी पिया है, 1 कोल्ड ड्रिंक पिया है, पिया ही पिया है। और सामान तो इतना खरीदा है कि जगह नहीं है रखने के लिए, क्योंकि खाली जा रहे हैं, देख लो। चलो भाई आगे देखते कहाँ जाना है। अगर आप बियर पीने के शौकीन हैं तो दिल्ली में 220 रुपए में 4 बियर की बोतल मिल जाती है। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को बर्दाश्त कर लिया और लास्ट तक देखते आ चुके हो तो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने इतना बर्दाश्त किया मुझे। और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं दोबारा ऐसी वीडियो डालने की हिम्मत कर सकूं भाई। थैंक यू सो मच।